नमस्कार दोस्तों, कोविन पोर्टल पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसको कैसे आप घर से ही रजिस्टर कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इससे संबंधित तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं देना चाह रहा हूं, आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, जिससे आप भी इसके लिए रजिस्टर करें और जल्दी से कोरोना वैक्सीनेशन करा लें। इसके लिए आपको कोविन पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर आपको अपने फ़ोन नंबर के माध्यम से साइन इन करना है। उसके लिए ओटीपी आएगा और उसके बाद में अपने परिवार के सदस्यों को उसमें ऐड करना है। हर एक सदस्य के साथ उसका एक आइडेंटिटी नंबर या यूं कहें कि आधार कार्ड या पैन कार्ड के नंबर आपको वहां पर इंसर्ट कराने हैं, जिसको वैक्सीनेशन के समय भी आपको साथ में लेकर के जाना है। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को, कैसे कोविन पोर्टल पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने की शुरुआत हो चुकी है। 18 से 45 साल की उम्र वाले व्यक्ति भी इस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन पोर्टल पर जाना होगा। यूं तो आप उमंग ऐप के माध्यम से भी वहां जा सकते हैं, पर कोविन पोर्टल पर अगर आप कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो आपको पोर्टल यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। MOHFW की वेबसाइट पर वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है cowin.go.in। आप चाहें तो डायरेक्ट cowin.go.in पर जा सकते हैं और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन, रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन पर जाएंगे। यहाँ आपको आपके फोन नंबर फिल करने हैं। फोन नंबर फिल करने के बाद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में आपको आपका ओटीपी इससे संबंधित आपको मिल जाएगा। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको इसके लिए 3 मिनट का अधिकतम समय दिया हुआ है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो इस वजह से ओटीपी आने में समय लग सकता है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें और जैसे ही ओटीपी आ जाए तो आप उसको यहाँ पर आपको उसे इंसर्ट कराना है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं ओटीपी का। इसके बाद आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फोटो आईडी प्रूफ चूज करना है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि का चयन कर सकते हैं। जैसे हम मैंने आधार कार्ड चयन किया है तो आधार नंबर आपको भरने होंगे, नाम भरना होगा और फिर जेंडर भी हम इसमें चूज करेंगे और उसके बाद एड पर ईयर ऑफ बर्थ फिल करेंगे जो आधार कार्ड के समान होनी चाहिए। केवल ईयर भरना है, जैसे 1980, 2000, 2010। ऐड पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे और एक संदेश आपको मिलेगा, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि मेंबर सफलतापूर्वक ऐड हो चुका है। तो आप देखेंगे आपके अकाउंट डिटेल में जिन जिन मेंबर्स को आपने ऐड किया है वो आपको दिखाई देंगे। एक फोन नंबर के माध्यम से 4 यूजर्स को इसमें ऐड किया जा सकता है। इसके बाद और शेड्यूल नाउ पर क्लिक करेंगे और शेड्यूल नाउ पर क्लिक करने के बाद जो भी अपने नजदीकी पीएससी है, हॉस्पिटल है, उसका चयन वहां पर हम कर लेंगे। इस तरह से आसानी के साथ रजिस्ट्रेशन संपन्न इसके द्वारा किया जा सकता है।